हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को कॉन्टिन्यूटी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने तुम लोगों को लिमिट्स चैप्टर पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि RHL LHL कैसे निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, कब फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, RHL का मतलब किसी पॉइंट ए के राइट से वाई की वैल्यू को RHL कहते हैं और लेफ्ट साइड से वाई की वैल्यू को LHL कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूटी में हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है कि RHL LHL के साथ मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू के बराबर हो जाए। तो RHL LHL और वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर होते हैं तो हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे देखिए, ये जैसे कोई फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये कहीं पर टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट ए पर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मैं कैसे चेक करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा कि इस जगह पर ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है? तो मैं जानते हो क्या करूंगा, मैं ए पर कोई पॉइंट ए है वो दिया जाएगा एग्जाम में, मैं उस पॉइंट ए पर वाई की वैल्यू निकालूंगा, ए के जस्ट राइट में वाई की वैल्यू निकालूंगा, जिसको मैं जहां पर एक्स को मैं कहता हूं ए प्लस एच। ठीक है, और एच के बारे में आपको पता है एच जीरो के पास जाता है पर जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, तो ए प्लस जस्ट राइट में होगा और ए माइनस ए जस्ट लेफ्ट में होगा। अगर मुझे ये पता करना हो कि ए पर ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं RHL LHL और वैल्यू, ये तीनों को मैं बराबर दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ये तीनों की वाई की वैल्यू रियलिटी में लगभग बराबर है और लिमिट की लैंग्वेज में तो एग्जैक्टली बराबर है, इसमें इतना थोड़ा सा डिफरेंस है ना कि लिमिट क्या कहेगा कि वो बराबर ही है। जैसे अगर बीच वाली वैल्यू जो है, जो ये एफ ए हम जिसको कह रहे हैं, अगर मान लीजिए एफ ए 2 के बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस एच जो है 2.00001 के बराबर है और एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो 1.99999 के बराबर है। ठीक है, मतलब राइट साइड से जस्ट राइट में और एच की वैल्यू बहुत छोटी ली जा रही है। जैसे मान लीजिए एच की वैल्यू बहुत छोटी 0.00001 टाइप में कुछ लिया जा रहा है, तो a प्लस एच थोड़ा सा आगे x की वैल्यू होगी और a माइनस एच थोड़ा सा पहले x की वैल्यू होगी। तो मैंने अगर यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू निकाली तो f ऑफ a प्लस एच की जो वैल्यू आ रही है h की इस वैल्यू पर, ठीक है, तो वो आ रही 2.00001 टाइप में कुछ। ठीक है, और मैं जस्ट लेफ्ट साइड में y की वैल्यू निकाल रहा हूँ जिसको मैं f ऑफ a माइनस एच कहता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही लगभग जैसे 1.999999 टाइप में। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैं वैल्यू की बात करूं तब तो वैल्यू तो ये है, पर जब मैं लिमिट लगाता हूं, मैं जब कहता हूं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, जब मैं ये लिख देता हूं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, तो इसको हम लोग 2 कहते हैं। अगर यहां पर ये साइन लग जाता है तो इसका मतलब ये हुआ h को लगातार जीरो के पास ले जाओ तो ये लगातार 2 के पास चलता चला जाता है। मतलब अगर a प्लस एच और पास आ जाए, a माइनस एच और पास आ जाए, a के जितना नजदीक आएगा, अगर ये 2 है तो ये 2 के और नजदीक बनता चला जाएगा और लिमिट क्या करता है, तुम जो बनना चाहते हो वही बन जाओ। ठीक है, तो अगर लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट तो इसकी वैल्यू 2 ही देगा। अच्छा, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच, जिसको कि हम लोग LHL कहते हैं, लेफ्ट साइड से y की वैल्यू को LHL कहते हैं, अगर मैं h को और छोटा करता जा रहा हूँ a माइनस एच और इसके पास चलता चला जाएगा, हमें पता है कि f a और f a माइनस एच की एग्जैक्ट वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती, पर एक बात तो है कि 1.999999 और होता चला जाएगा, ये 2 के और करीब जाएगा। अगर a माइनस एच जो है h की वैल्यू बहुत छोटी हो रही तो a माइनस एच जो है लगभग a के करीब पहुंच जाएगा। तो अगर एफ ए जो है वो 2 के बराबर है तो ये 1.999999 थोड़ा सा ही छोटा होगा, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट छोटा होगा, तो एफ ऑफ ए माइनस एच पर वाई की वैल्यू को ये 2 बोल देगा। समझ में आ रही बात, 1.999999 एग्जैक्ट वैल्यू भले हो इस तरीके से, पर लिमिट की लैंग्वेज में ये 2 है। ठीक है, अगर ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है तो, मगर लिमिट की लैंग्वेज में ये 2 ही है। ठीक है, तो जब हम लिमिट निकालने लगते हैं तो ये थोड़ा बहुत जो अंतर होता है ना ये इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर RHL राइट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, RHL LHL और वैल्यू, ये तीनों बराबर आ रहे हैं और मैं जब RHL कह रहा हूं तो वो लिमिट है, LHL कह रहा हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो जब RHL LHL जिनमें की थोड़ा सा डिफरेंस होने के बावजूद, एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंट होने के बावजूद,
जो है लिमिट की लैंग्वेज में दोनों बराबर मान लिए जाते हैं, तो जब RHL, LHL और वैल्यू ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ तीन बातों की जरूरत पड़ेगी, एक RHL, RHL, LHL, मतलब ये तीनों को बराबर होना पड़ेगा, RHL, LHL और वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन टूटा हुआ नहीं है x बराबर a पर। x बराबर a पर चेक करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों को और चेक करना पड़ता है, a पर वैल्यू और उसके राइट में वैल्यू, और उसके लेफ्ट वाली जो वैल्यू है अगर उसकी जो लिमिट है राइट में इसके इस साइड से y की वैल्यू की जो लिमिट है और लेफ्ट साइड से जो y की वैल्यू की लिमिट है और ये वैल्यू, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और RHL ये होता है f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h, और LHL क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h, और ये अगर f a के बराबर हो जाए, ठीक है, वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा जैसे देखिए ग्राफ मान लीजिए एकदम ऐसे जा रहा हो तो इस जगह पर RHL, LHL ऐसा लग रहा बहुत डिफरेंस है ना, जैसे मान लीजिए ये जो है 5 के बराबर है, लेट सपोज दैट ये 5 के बराबर है, इसके जस्ट राइट वाला वैल्यू जो है वो कितना होगा 5.00001 ऐसा टाइप में होगा, और इसके जस्ट लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो कितना होगा, इसके जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू जो होगी वो होगी 5, जैसे मैंने ये ले लिया इस साइड में ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, इसके जो जस्ट लेफ्ट वाली जो वाई की वैल्यू है बच्चों ये है मान लीजिए 4.99999 ऐसे करके, ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो अगर इसको और नज़दीक लाया जाए, इसको और इधर लाया जाए, जितना पास आते जाएंगे ये और 5.00001 बनता चला जाएगा, ये और 99999 ऐसे हो जाए, कुल मिला कहने का मतलब कि अगर बीच वाली वैल्यू 5 है और ये कॉन्टिन्यूस है तो अगल बगल वाले पॉइंट जितने पास आएंगे उन दोनों की वैल्यू 5 के नज़दीक तो चली जाएगी, और जिसके नज़दीक चलता चला जाता है, ठीक है, ये 5 वैल्यू है और 5 आना चाहता है, राइट वाली वैल्यू 5 के पास जाना चाहती है, तो लिमिट जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, लिमिट वर्ड कहेगा कि वो 5 के बराबर है। ठीक है, जैसे किसी छत की ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है, उस पर थोड़ा पुताई कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई 4.999999 मीटर रह जाएगी, और अगर कोई रबर की बॉल जोर से फेंको और टकरा जाए तो रबर के बॉल की मैक्सिमम हाइट जो होगी वो 4.9999 मीटर होगी, जबकि वो पहले तो वो 5 मीटर थी ऊंचाई, छत की ऊंचाई जो है 5 मीटर थी, मगर जब उस पर पुताई कर दी गई तो उसकी ऊंचाई थोड़ा कम रह गई, थोड़ा सा बहुत माइनर जो दिख भी नहीं रहा है उतना कम हो गया, और रबर के बॉल की मैक्सिमम हाइट जो है वो 4.999999 मीटर हो गई। अगर कोई कह दे हाइट की वैल्यू क्या है, रबर के बॉल की हाइट क्या है, एग्जैक्ट हाइट क्या है, तो 4.9999 टाइप में कुछ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा 99 और बढ़ जाएगा, पर करेक्ट 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है। और अगर उसके बाद जो है लिमिट कह दिया जाए कि अगर जो है हाइट की लिमिट निकालो, ठीक है, हाइट की लिमिट निकालो, मैक्सिमम हाइट की जो है लिमिट क्या होगी, तो हाइट की जो लिमिट निकालोगे वो 5 मीटर होगी, भले हमें पता है कि 4.9999 है पर लिमिट की लैंग्वेज में वो 5 ही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो अंतर होता है उसको गैप करके हम लोग जो है जहाँ पहुँचना चाहता है वैल्यू, हम लोग उस फाइनल चीज़ को बोल देते हैं वो लिमिट का आंसर है। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू है वो 0.999999 के आसपास होता है, अगर एक्स की वैल्यू 0 के पास होता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो जो ऐसे हम लोग कहते हैं ना, x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाई एक्स, इसकी वैल्यू वास्तव में 0.999x, अगर ये ना लगाएं, ये ना लिखें, तो ये 0.999999 ऐसे होगा अगर x की वैल्यू 0 के करीब जा रही है तो, ठीक है। अच्छा अभी अगर ये वाला साइन यूज़ कर दिया जाए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये मतलब 0 के पास लगातार जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर ये किधर जा रहा है, तो ये वास्तव में 1 की तरफ जा रहा है, अगर x 0 की तरफ जा रहा तो इसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, और लिमिट का आंसर 1 होता है भले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0.9999 हो, ठीक है। तो अगर ये लगभग बराबर होगा तो लिमिट तो अपने नेचर से क्या बोलेगा, लिमिट अपने नेचर से बोलेगा भैया तुम भी 5, तुम भी 5, तुम भी 5, और तुम तीनों 5 हो, और हम जान जाएंगे कि ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं हुआ है और वो ग्राफ जो है वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स बराबर सम पर्टिकुलर पॉइंट एक्स बराबर जो भी दिया रहेगा, ठीक है।
चलिए तो RHL, LHL और वैल्यू, ये तीनों हम लोग को बराबर करना पड़ता है, तभी हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो किसी पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो RHL, LHL, वैल्यू बस, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके बाद ग्राफ मान लीजिए टूट करके ऊपर चला जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें x बराबर a पर चेक करना है तो हमें सिर्फ RHL, LHL और वैल्यू, हमें ये तीन ही चीज़ें करनी होगी, हमें उसके बाद से कोई मतलब नहीं है। x बराबर a पर यह कॉन्टिन्यूस है, भले यहाँ पर थोड़ा ब्रेक हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, x बराबर a पर तो कॉन्टिन्यूस है। किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सिर्फ आपको तीन बातों की जरूरत होती है, ठीक है। एक तो वो खुद की वैल्यू बीच वाली, और एक अगल बगल वाली वैल्यू, मतलब एक RHL और उधर तरफ LHL, इधर RHL और इधर LHL, ठीक है, वैल्यू RHL, LHL। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, कौन कौन से टाइप्स हैं इसके अंदर। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे आपसे किसी ने कहा कि लिमिट नहीं, एफ एक्स बराबर मान लीजिए मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एक्स बराबर ज़ीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू वन, ठीक। अगर तुमसे कोई कहे कि भाई इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, ठीक है, तो अब इसकी कॉन्टिन्यूटी तुमको चेक करनी है। एक फंक्शन है, जब x की वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू वन है, और अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है तो एफ एक्स की वैल्यू मॉड x अपॉन x के बराबर है। तो आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, x बराबर जीरो पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को आपको चेक करना है, ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी एट x बराबर जीरो चेक करनी है। तो x बराबर जीरो पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करोगे, एफ जीरो निकालोगे, एफ जीरो की वैल्यू वन दिया हुआ है, एफ जीरो एक्स बराबर जीरो पर वाई की वैल्यू वन है ना, ठीक है, तो एफ जीरो बराबर वन दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, एफ जीरो प्लस एच कैसे निकालोगे, एफ जीरो प्लस एच कैसे निकालोगे, एफ जीरो प्लस एच का मतलब एफ के अंदर एक्स की वो वैल्यू है जो जीरो नहीं है, वास्तव में जीरो प्लस एच जीरो नहीं होता, ठीक है, एच की वैल्यू कभी जीरो करेक्ट नहीं होती, रियलिटी उसकी वही है। तो एफ जीरो प्लस एच की वैल्यू ऊपर वाले से आएगी कि नीचे वाले से आएगी, जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू जब जीरो प्लस एच है तो जीरो प्लस है तो जीरो तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू होगी ऊपर वाले रूल से, ऊपर वाले रूल का यूज़ करेंगे, जो एक्स मिलेगा उसी के सामने वाले रूल का यूज़ करेंगे। तो जीरो प्लस एच का मॉड अपॉन जीरो प्लस एच, और एच के लिए हम इन्फॉर्मेशन लगा देंगे, एच बहुत छोटा है, ठीक है, ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड एच अपॉन एच आ जाएगा, ठीक है, और मॉड एच, एच बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये कितना बन जाएगा, h बाई एच ही बन जाएगा, और h बाई एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका जो RHL है वो 1 के बराबर है। चलो अब LHL की भी बात कर लेते हैं, f ऑफ 0 माइनस h की बात करते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, x बराबर 0 माइनस h रखेंगे तो ये जो 0 माइनस h है वो 0 है कि 0 से थोड़ा सा बदला हुआ है, तो 0 से थोड़ा अंतर है ना 0 माइनस h, ठीक है। तो h हमेशा, देखो h के बारे में ध्यान रहे, h हमेशा 0 से बड़ा होता है पर 0 के नज़दीक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। f 0 माइनस h की बात करेंगे तो फिर से यही नियम लगाएंगे, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 नहीं होती तो ये नियम लगाओ, और 0 है तो ये नियम लगाओ, 0 नहीं है तो ये नियम लगाना है। तो x की वैल्यू जब 0 नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा, मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, f 5 की वैल्यू कितनी होगी, इससे आएगा कि इससे आएगा, f 5 की वैल्यू, तो 5 जो है वो 0 तो है नहीं, जीरो होता तब तो वन होता, जीरो तो है नहीं, एफ फाइव जो है, फाइव जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये वाला रूल लगेगा, एफ फाइव बराबर मॉड फाइव अपॉन फाइव दैट इज इक्वल टू वन। एफ टेन कितना होगा, ठीक है, मॉड टेन अपॉन टेन दैट इज इक्वल टू वन। एफ हंड्रेड कितना होगा, मॉड हंड्रेड अपॉन हंड्रेड दैट इज इक्वल टू वन। एफ थाउजेंड कितना होगा, अरे मॉड थाउजेंड अपॉन थाउजेंड दैट इज इक्वल टू वन। एफ माइनस फाइव कितना होगा, एफ माइनस फाइव जीरो तो है नहीं तो जीरो के अलावा कोई नंबर है, तो एफ माइनस फाइव कितना होगा, फिर से वही नियम, जब फाइव जो है माइनस फाइव जो है वो जीरो के बराबर नहीं है तो यही वाला रूल लगाओ, माइनस फाइव का मॉड अपॉन माइनस फाइव, तो माइनस फाइव का मॉड फाइव हो जाएगा, फाइव अपॉन माइनस फाइव माइनस वन हो जाएगा। तो देखो जो इसके अंदर लिखा रहेगा, अगर ये जीरो है तब तो ये वाला रूल लगाना, और अगर ये जीरो नहीं है, थोड़ा सा भी अंतर है, तो उस अंतर को तो यहाँ पे कंसीडर कर लेना, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये दिया हुआ तो वही वाला रूल लगा देना, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा और यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, बराबर ये कितना आ गया, मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करोगे, मॉड माइनस एच की वैल्यू एच हो जाएगी, एच अपॉन माइनस एच दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसमें देखो वैल्यू वैल्यू तो वन है, आर एच एल भी वन है, पर LHL इसका माइनस वन है, RHL LHL वैल्यू तीनों बराबर नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, करेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग फटाफट। जैसे देखिए एफ एक्स बराबर जैसे लेना है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू और एक्स बराबर टू, और यहाँ पर लिख दिया जाए के, तुमसे कहा जाए कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स बराबर टू, ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स बराबर टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपसे कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है वो x बराबर टू पर कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस है तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कॉन्टीन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो x बराबर टू पर ये फंक्शन दिया हुआ है कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ कॉन्टीन्यूटी नहीं चेक करनी है, अब k की वैल्यू निकालनी है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या करोगे, x बराबर टू पर कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है तो ठीक है, x बराबर टू पर कॉन्टीन्यूअस दिया है ना, तो पक्की बात है f2, f2 प्लस h और f2 माइनस h बराबर होंगे। f2 की वैल्यू के है, कोई दिक्कत नहीं है, f2 बराबर के तो दिया हुआ था, x बराबर टू रखा तो y की वैल्यू के, ठीक है। अच्छा f2 प्लस h कितना आएगा बच्चों, f2 प्लस h कहाँ से आएगा, ऊपर वाले से आएगा, तो कितना आएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फोर अपॉन 2 प्लस एच माइनस टू कर दोगे और लिमिट लगा दोगे, एच की वैल्यू बहुत छोटी है, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू, भाई जब 2 प्लस एच क्या है, 2 तो है नहीं, तो जब एक्स के लिए 2 नहीं है तो आप ऊपर वाला रूल लगाओगे, तो एफ 2 प्लस एच की जो वैल्यू होगी 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फोर अपॉन 2 प्लस एच माइनस टू कर दें, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 प्लस एच। अच्छा एफ 3 की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आती है, F3 अगर 3 पर वैल्यू निकालनी होती तो 2 के बराबर जब नहीं है तो यही वाला रूल लगता है ना, तो F3 के लिए क्या होता, 3 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2। F10 निकालना होता तो F10 आता 10 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 2। F100 निकालना होता तो 100 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 100 माइनस 2। F100 बराबर 100 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 100 माइनस 2, बिकॉज 100 इज नॉट इक्वल टू 2, जो 2 के बराबर नहीं है, अगर 2 के बराबर नहीं है तो आप ऊपर वाला रूल लगाएंगे और 2 के बराबर है तो नीचे वाला रूल लगाएंगे, फिलहाल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे, कितना आएगा, लिमिट एस टेनिंग टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगा दो तो कितना आएगा, 2 प्लस एच माइनस 2 और 2 प्लस एच प्लस 2 और नीचे 2 प्लस एच माइनस 2, ठीक है, ये हमने कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर लिख देंगे ना, अच्छा ये दोनों कट गए, अरे 2 पहले 2 2 कटा, फिर ये 2 2 कटा, फिर एच एच बचा होगा, एच एच कट गया और ये बचा कितना, लिमिट एच टेनिंग टू जीरो 4 प्लस एच बचा और इसको अंत में 4 लिख देंगे, ये लगभग 4 के बराबर है, तो लिमिट की दुनिया में ये 4 ही है, ठीक है, तो लिमिट वैसे भी कहता मैं लिमिट हूँ, लिमिट 4, ठीक है, तो एफ 2 प्लस एच जो है वो 4 के बराबर हुआ। एफ 2 माइनस एच निकालना है, ठीक है, अभी तुम लोग को एक और तरीका बताता हूँ, अभी तो मैं आर एच एल एल से जानबूझ कर रहा हूँ ताकि अगर मान लो कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है तो आप कम से कम आर एच एल एल एच एल तो निकालने लायक रहो, ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को आर एच एल एल एच एल सिखा देता हूँ, फिर डायरेक्टली लिमिट का रूल कैसे लगाते हैं उस तरह सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एफ टू माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा ये बताओ 2 माइनस एच 2 है कि 2 से थोड़ा सा बदला हुआ सा है, तो एफ टू माइनस एच 2 नहीं है, ये इसकी रियलिटी है, एफ टू माइनस एच 2 के बराबर नहीं है, तो जब एक्स के वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये वाला रूल लगेगा, तो एफ टू माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, अगर एक्स के वैल्यू तुम 2 माइनस एच ले रहे हो तो 2 माइनस एच रखेंगे अपॉन 2 माइनस एच माइनस ऑफ 2 और लिमिट लगा देंगे बच्चों एच टेंडिंग टू 0। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे जल्दी से बताओ फटाफट, कोई फार्मूला वगैरह लग रहा है, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे 2 माइनस एच माइनस 2 और 2 माइनस एच प्लस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एच माइनस 2, 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, माइनस एच भी कट गया और ये आया लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और ये आया 4 माइनस एच और ये लगभग 4 के ही बराबर है, तो लिमिट के उसमें हम लोग कहेंगे ये 4 के बराबर है, 4 माइनस एच बचा, एच की वैल्यू 0 रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये 4 के बराबर हो गया। तो आर एच एल 4, एल एच एल 4, वैल्यू भी 4 के बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि k मस्ट बी इक्वल टू 4 सो दैट दिस फंक्शन मे बी कॉन्टीन्यूअस एट x बराबर 2। तो x बराबर 2 पर अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो k की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, के की वैल्यू हमको 4 लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ये तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, आर एच एल एल एच एल वैल्यू निकालना
थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। आप लोगों को मैं बताता हूँ इसको तुरंत फार्मूले से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग यही कर रहे हो ना कि 2 पर वैल्यू तो के बराबर है, ठीक है, 2 पर वैल्यू के बराबर है और 2 पर जो लिमिट निकलेगी वो RHL और LHL वाली जो वैल्यू आती है उसको लिमिट कहते हैं। तो मतलब RHL और LHL जब बराबर आते हैं तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो वैल्यू तो यहाँ से आ गया, लिमिट यहाँ से आएगा, तो कुल मिला के लिमिट x टेंड, मतलब हम ये कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, मतलब हम लोग ये कहेंगे लिमिट एट x बराबर 2 मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो समझो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एट x बराबर 2 मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू, मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू। अच्छा x बराबर 2 पर लिमिट, तो हम लोग ये कर सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू, की यही तो है वैल्यू बराबर लिमिट ही तो कर रहा हूँ। अरे 2 पर लिमिट यहाँ से आएगा बच्चों, ये लिमिट देगा x बराबर 2 पर लिमिट, ये x 2 के पास जा रहा है, 2 के बराबर नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो 2 के अगल बगल यहाँ से ही तो वैल्यू आ रही है, 2 पर वैल्यू तो चलो के बराबर हो गई, ठीक है, 2 पर वैल्यू के बराबर है, पर 2 पर जो लिमिट आएगी तो 2 पर लिमिट कैसे आती है, 2 के अगल बगल से आती है, तो 2 के अगल बगल से तो यही है ना, x जब 2 के बराबर नहीं है तो ये नियम लगाओ। तो यहाँ पर भी कौन बोल रहा है 2 के बराबर है, 2 के अगल बगल है, तो 2 के अगल बगल है तो ये, मतलब लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू, लिमिट अगर वैल्यू के बराबर है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लिमिट्स मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू, लिमिट्स मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू, समझ में आ रही बात, x की वैल्यू x टेंडिंग टू 2 लिमिट्स मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, x 2 के बराबर नहीं है, 2 के अगल बगल लिमिट्स मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू, 2 के अगल बगल, जब 2 के बराबर नहीं है, 2 के अगल बगल लिमिट्स मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू, समझ में आ गया, इस तरह से करते हैं लिमिट्स मस्ट बी इक्वल टू, और इस लिमिट्स में RHL भी छुपा हुआ है और LHL भी छुपा हुआ है, और मैंने तुम लोगों को लिमिट्स में बताया था कि RHL LHL जितना कम से कम हो सके उससे बचने को इस क्या करो, मतलब RHL LHL की तरफ तुम्हें कम से कम जाना है, ठीक है, जब बहुत मजबूरी फंस जाए तो वो तो मदर कॉन्सेप्ट है, वही बचाता है, मगर अगर यदि कोई फार्मूला या कुछ कॉन्सेप्ट कोई शॉर्टकट लग जाता है तो आप लोग जो है पहले वो शॉर्टकट लगाओगे, जैसे अब इसी में है, अब इसमें 2 प्लस एच रखोगे के बराबर होना चाहिए जो कि आ जाएगा 4 के बराबर, और इसी में लिमिट LHL भी निकालोगे वो भी के बराबर होगा, वही तो मतलब है। तो इसमें एक और तरीका है, इसको फैक्टराइज कर लो सीधा सीधा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू के, ये दोनों कट गया और ये आ गया, इसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू के, ठीक है, और ये आ गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू के, मतलब 4 बराबर के, k की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो आप लोग यही करिएगा, ठीक है, वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू लिमिट्स, इसकी जी लिमिट निकाल लीजिए इस पर और आप वैल्यू के बराबर कर दीजिए, वो फंक्शन ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस ही होगा या k की वैल्यू निकल आएगी अगर वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो चलिए, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे सामने, लिमिट एक्स नहीं, एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स बराबर 2 पर मान लीजिए k, और तुमसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। वैसे अक्सर इसी पर दिया जाता है कि चेक करो 2 पर, 2 पर तो दिक्कत है, 2 पर वैल्यू k है, 2 के अगल बगल ये है, तो जाहिर सी बात है हम तो 2 पे ही चेक करेंगे ना कि 2 पे ग्राफ टूट गया है कि नहीं टूट गया है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को इसी को देखना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल दिया भी हुआ है कि एट x बराबर 2 दिस इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग k की वैल्यू बताओ, तो जाहिर सी बात है इफ दिस इज कॉन्टिन्यूस देन लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू k, ठीक है। आप लिमिट सॉल्व करोगे वो के बराबर होना चाहिए, और लिमिट कहाँ पे सॉल्व करोगे, 2 पर सॉल्व करोगे, क्योंकि 2 के अगल बगल ही चेक करना है, 2 के अगल बगल जो वैल्यू आ रही है वो अगर वैल्यू के बराबर होगी तो ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर 2, इट इज कॉन्टिन्यूस, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक है, ये दिया हुआ है एट एक्स बराबर टू, इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूस लिमिट मस्ट बी इक्वल टू के। अब इसको सॉल्व करने के लिए आर एच एल एल सी एल कौन निकाले यार, हम लोग तो फैक्टराइज कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स लिख देंगे, आराम से काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना, एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, 8 को 2 क्यूब लिख दोगे, x माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ये फार्मूला लग जाएगा। अच्छा तो अब देखो इसमें कुछ कैंसल आउट हो रहा है, हाँ ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्यों कैंसल आउट हो, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट 2 नहीं है, 2 के अगल बगल है कुछ, मतलब 2 से थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, तो जाहिर बात है ये करेक्ट जीरो तो है नहीं, इसलिए आराम से कट भी जाएगा। तो ये आया लिमिट x टेंडिंग टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और दैट इज इक्वल टू k। अच्छा ठीक है, अब 2 रख दो, 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अगर के की वैल्यू 12 होगी तो दिस फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, देखो अगर यहाँ पर पहले से ही लिखा था 12 तब तो ये फंक्शन पूछा था कि इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करिए, तो हम लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऐसे दिया होता ये 12, तो हम लोग लिमिट सॉल्व करते और चेक करते और बताते कि लिमिट तो इसकी 12 के बराबर है, वैल्यू भी 12 के बराबर है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल तो यहाँ पे के दिया हुआ था और कहा जा रहा था के की वैल्यू निकालो सच दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑफ दिस फंक्शन, दिस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमने क्या किया, लिमिट को सॉल्व किया और उसको के बराबर कर दिया, वैल्यू के बराबर कर दिया, तो लिमिट सॉल्व किया पता चला ये 12 के बराबर आया, तो वैल्यू भी 12 के बराबर होगी, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहले देखो हम लोग ना पर्टिकुलर नॉट इक्वल टू दिया हुआ है और इक्वल टू का इस तरह वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिमिट एफ एक्स बराबर मान लीजिए दिया हुआ है लॉग वन प्लस ए एक्स माइनस वन लॉग वन माइनस बी एक्स अपॉन एक्स और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एक्स बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that this function is continuous, this is function is continuous at x बराबर जीरो, ठीक है, it is continuous, it is continuous at x बराबर जीरो, then find क्या k, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, it is continuous at x बराबर जीरो then find k। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, लिमिट x टर्निंग टू जीरो, जीरो के अगल बगल हमें देखना है कि आखिर वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है, और ये जो वैल्यू मिल रही है ये मस्ट बी इक्वल टू के होना चाहिए, तभी तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। सोचो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग आर इसमें जो क्या करोगे, आर एच एल और एल एच एल जहाँ से आ रहे हैं वो, और आप वैल्यू को बराबर कर दोगे, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे होगा, अब तुम लोग याद है फार्मूला लिमिट्स में लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन हुआ करता था, बहुत पहले की मेमोरी है ये, याद आ रहा है, मेमोरी है इसलिए थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, पुरानी मेमोरी है, ठीक है। अच्छा फिलहाल ये दिया हुआ है, जो वन के साथ जो लिखा रहता है वही अगर नीचे लिखा रहेगा तो उसकी वैल्यू वन आती है, ठीक है। अच्छा फिलहाल हम लोग इसके बाद लिखेंगे लिमिट एक्स टर्निंग टू जीरो लॉग वन प्लस ए एक्स अपॉन एक्स लिख देंगे और माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू के लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ माइनस बी से डिवाइड कर लेंगे, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी से, इसलिए क्योंकि वन प्लस ऑफ माइनस बी एक्स लिखा हुआ है, जब वन माइनस बी एक्स लिखा है तो माइनस बी एक्स नीचे होना चाहिए, ठीक है, वन माइनस बी एक्स है तो माइनस बी एक्स नीचे, ठीक है। ये कितना बन गया, नियम कहता है कि log 1 प्लस 1 के साथ ये और ये अगर बराबर है और जीरो के नज़दीक जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, लिमिट्स में मैंने बता रखा है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू के या a प्लस बी इज इक्वल टू के, के की वैल्यू a प्लस बी के बराबर होगी सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है, या दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, k मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी। समझ में आ रही बात, वेरी गुड, ठीक है, चलो। अच्छा अब इसके बाद मैं तुम लोग को दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके अंदर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर
देखिए अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदल रहा है, एफ एक्स बराबर जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स टू एक्स प्लस फोर, ठीक है, और मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस थ्री दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है ज़ीरो से वन, यहाँ पे दिया हुआ है वन से मान लीजिए टू, और टू से मान लीजिए फाइव, और आपसे कहा जा रहा है कि एट एक्स बराबर वन वन और टू पर डिस्कस इट्स कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो आपको वन और टू पर सिर्फ कॉन्टीन्यूटी को चेक करना है और ये डिक्लेयर करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, ठीक है। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स बराबर वन एंड टू, ठीक है। तो हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी को एक्स बराबर वन पर और टू पर चेक करनी है, ठीक है। तो एट एक्स बराबर वन, एट एक्स बराबर वन हमें क्या करना पड़ेगा, वन पर कॉन्टीन्यूटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू करके तो दिया नहीं हुआ है कि आप तुरंत समझ लो कि लिमिट्स बराबर कर दोगे वैल्यू के, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, इसमें अगर f1 निकालना हो तो किस लाइन से आएगा, f1 निकालोगे तो सेकंड लाइन से आएगा ना, f1 बराबर 2 इंटू वन प्लस फोर सिक्स। अच्छा f1.5 कहाँ से आएगा, 1.5 कहाँ पर है, जाहिर सी बात है इसी में आएगा, तो f1.5 बराबर 2 इंटू 1.5 प्लस फोर, ठीक है। f3 कहाँ से आएगा, f3 यहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने जब f के अंदर 3 रख दिया, जब मैं 3 रख रहा हूँ तो 2 और 5 के बीच में है, तो f3 बराबर 3 क्यूब प्लस 3, f4 बराबर क्या आएगा 4 क्यूब प्लस 3, f5 क्या आएगा 5 क्यूब प्लस 3, क्यों, क्योंकि इसी में, f6 क्या आएगा, आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 6 के लिए डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। अच्छा ये बताओ f.9 कहाँ से आएगा, f.9 फर्स्ट लाइन से आएगा कि सेकेंड लाइन से आएगा या थर्ड लाइन से, तो f.9, 0.9 बताओ 1 से छोटा है ना, तो f.9 की वैल्यू आ गई 0.9 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0.9। एफ पॉइंट फाइव कहाँ से आएगा, तो 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है ना, तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0.5। एफ ज़ीरो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा एफ वन कहाँ से आएगा, सेकेंड लाइन से आएगा, ठीक है। एफ वन प्लस एच कहाँ से आएगा, 1.1। एफ 1.1 कहाँ से आएगा, इससे आएगा। और एफ एफ पॉइंट नाइन कहाँ से आएगा, इससे आएगा, पहली लाइन से, ठीक है। अच्छा f1 कहाँ से आएगा, सेकंड से। f1 प्लस एच कहाँ आए, कहाँ से आएगा, सेकंड से, ठीक है। और f1 माइनस एच कहाँ से आएगा, फर्स्ट से। तो इस तरीके से हम लोग, f2 कहाँ से आएगा, यहाँ से। f2 प्लस एच कहाँ से आएगा, यहाँ से ही, क्योंकि 2 प्लस एच 2 से थोड़ा बड़ा होता है। f2 माइनस एच कहाँ से आएगा, 2 माइनस एच थोड़ा छोटा होता है 2 से, तो वो इस वाली लाइन से आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमें इसका डिस्कस करना है, हमें चेक करना है कि ये 1 बराबर 1 और 2 पर ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, हमें ये चेक करना है ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो फिलहाल एट x बराबर 1 हम चेक करने जा रहे हैं, तो f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 निकालना पड़ेगा, f1 प्लस एच निकालना पड़ेगा और f1 माइनस एच निकालना पड़ेगा, हमें ये तीनों को चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो हम लोग कह देंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, और अगर ये तीनों बराबर नहीं आए तो हम लोग कहेंगे, इनमें से कोई भी एक अलग आ गया तो हम लोग कहेंगे जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो f1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, जाहिर सी बात है सेकंड से आएगी, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 कर दिया और ये आ गया 6। अरे वाह क्या बात है, f1 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 4, ठीक है। अच्छा f1 प्लस h कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है इसी लाइन से आएगा। तुम ये ध्यान रखना, ये वाला जो x है ना, बहुत चालाकी से ध्यान रखना, ये जो दिया हुआ x है ना, ये किस वाले में आ रहा है, ठीक है, किस इंटरवल में आ रहा है। तो f1 प्लस h जाहिर सी बात है वन से थोड़ा सा बड़ा है यार, ठीक है, तो इसी में आ रहा है। तो 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 4 की कितना जाएगा, ये ऐसा हुआ, और लिमिट यहाँ लगा देंगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, ठीक है, ये RHL निकाल लें। तो अब एच की वैल्यू 0 रखने में भी कोई बुराई नहीं है, तो 2 प्लस 4 कर देंगे 6 आ गया, ठीक है। पहले ऐसे लिखिए और फिर एच की वैल्यू अगर 0 रख सकते हो, कोई रिस्क नहीं है तो रखो, ठीक है। तो ये 6 आ गया, तो f1 प्लस h 6 आ गया। अच्छा f1 माइनस h कैसे आएगा बच्चों, अब 1 माइनस h का मतलब ये हुआ 1 से थोड़ा छोटा है ना x, ठीक है, रियलिटी जानते रहिएगा, रियलिटी से बढ़ के कुछ नहीं है f1 माइनस h, ये इसके लिए ये वाला नियम लगेगा, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या जो भी वैल्यू देने वाला है वो यही देने वाला है, कुछ भी करने वाला यही नियम लगेगा, क्योंकि f1 माइनस h की असलियत ये है भाई, 1 माइनस h 1 के पास है, तो अब ये लगाए कि ये लगाए, अब दो में से एक डिसाइड करना है, तो f1 माइनस h भाई असलियत पे आ जाओ कि ये 1 से थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो ये वाला लगा, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस h रख दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में, तो x स्क्वायर 5 इंटू x, तो x क्या है यहाँ पर, 1 माइनस h है, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 इंटू
प्लस फाइव इंटू वन माइनस एच। अच्छा एच की वैल्यू अब जीरो रख दो, जाहिर सी बात है वन प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू अगेन सिक्स। अरे एच बराबर जीरो रखने पर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ये मत करने लगना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का रूल लगाओ, लंबा लंबा लिखो, अरे एच बराबर जीरो रख दो आ जाएगा आंसर। तो आर एच एल एल एच एल वैल्यू, आर एच एल एल एच एल और वैल्यू तीनों ही आपस में बराबर होने की वजह से हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, एक्स बराबर वन पर ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है तो एक्स बराबर वन पर ये कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है अच्छा चलिए अब टू पर चेक किया जाए, एक्स बराबर टू पर ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है ये चेक करते हैं। ठीक है तो एक्स बराबर टू पर कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक की जाए, तो एक्स बराबर टू पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एफ टू एट एक्स बराबर टू। ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ टू निकालना पड़ेगा, एफ टू प्लस एच निकालना पड़ेगा और एफ टू माइनस एच भी निकालना पड़ेगा। ठीक है अब तुम लोग जल्दी जल्दी सोच के बताओ एफ टू की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो एफ टू की वैल्यू कहाँ से आएगी, थर्ड लाइन से आएगी कि सेकेंड लाइन से आएगी, फर्स्ट लाइन से आएगी, बोलो बोलो जल्दी से क्या होगा, F2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, F2 की वैल्यू आएगी 2 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 3 और अरे देखो ना 2 है ना F2, 2 क्यूब प्लस 3 कितना 11 आ गया, F2 प्लस h कितना आएगा, हाँ 2 प्लस h 2 से थोड़ा बड़ा है तो ठीक है 2 से थोड़ा बड़ा तो यही से आएगा ना, 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3 और कितना आ जाएगा ये 11, h बराबर 0 रख दो, ऐसे लिखना भी है और h के लिए 0 भी रख देना। ठीक है और यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ टू माइनस एच, तो टू माइनस एच यहाँ वाले रूल से आएगा। ठीक है टू इंटू टू माइनस एच प्लस फोर कितना आ रहा है, एफ टू माइनस एच टू से थोड़ा छोटा है, जब टू से थोड़ा छोटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला रूल लगेगा, तो टू इंटू टू माइनस एच प्लस फोर कितना आ गया, एट आ गया। क्या हुआ टू पर ये जो फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यू, वन पे तो कॉन्टिन्यूस आया था और टू पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस आया, क्यों डिसकॉन्टिन्यूस आया, क्यों, क्योंकि वैल्यू और आर एच एल तो बराबर हैं, वैल्यू और आर एच एल तो बराबर हैं पर एल एच एल के बराबर वो नहीं है। ठीक है और जब आर एच एल एल एच एल वैल्यू तीनों आपस में बराबर नहीं है, ये नोटेशन है आर एच एल के लिए, ये नोटेशन है एल एच एल के लिए। ठीक है तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे भी लगा सकते हो एफ ऑफ टू प्लस एच, मगर एफ टू प्लस एच बराबर ऐसे भी लिख करके आप काम चला सकते हो। ठीक है बस ये कि आर एच एल निकालने के टू के इधर वाले से आना, एल एच एल निकालने के लिए टू के इधर से आना और अंत में एच की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो जरूर लिख देना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करके और अंत में एच बराबर जीरो कर देना। ठीक है तो आर एच एल एल एच एल वैल्यू तीनों आपस में बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है एट एक्स बराबर टू। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अच्छा चलो अगर मान लो जैसे कोई तुमसे कहे अननोन की वैल्यू बतानी है, ठीक है एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है तो अननोन की वैल्यू बताओ। ठीक है जैसे लिमिट एक्स, अभी तो देखो मैंने के की वैल्यू निकलवाया था ना, एक अननोन के की वैल्यू निकालनी है कि सच दैट फंक्शन जी कॉन्टिन्यूस, मैंने इस तरह से करवाया था तो आपने वो एक अननोन के की वैल्यू तो निकाल लिया था, पर यहाँ पर अब तुम लोग को दो दो अननोन की वैल्यू निकालनी पड़ती है कभी कभी, जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और फोर एक्स प्लस बी लेट सपोज दैट और एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब। ठीक है यहाँ पे मैंने ए एक्स क्यूब प्लस मान लीजिए फाइव ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है और यहाँ पर दिया हुआ ज़ीरो से वन, वन से टू और टू से थ्री मान लीजिए कुछ ऐसा दिया और कहा जा रहा है कि ये फंक्शन जो है वन और टू दोनों पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर वन एंड टू बोथ। ठीक है वन एंड टू देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर वन एंड टू। ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वन और टू दोनों पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है तो ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है तो फिलहाल x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूस है तो जाहिर सी बात है f1 प्लस h और f1 माइनस h बराबर होंगे। ठीक है तो f1 कितना आएगा, चलो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, हाँ इधर से मैं लिखना चालू करता हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए मुझे। तो एट x बराबर 1 हम क्या करेंगे, f1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, 4 इंटू वन प्लस बी तो कितना आ गया बच्चों 4 प्लस बी। ठीक है f1 बराबर 4 प्लस बी, f1 प्लस h कितना आया, ये आया लिमिट h टेंडिंग टू 0
फोर इंटू वन प्लस एच प्लस बी दैट इज इक्वल टू फोर प्लस बी, ठीक है। एफ वन माइनस एच कितना आया, एफ वन माइनस एच आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए इंटू वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। अरे देखो ना, वन माइनस एच तो यहाँ से आएगा ना, ए इंटू वन माइनस एच प्लस थ्री बराबर ए प्लस थ्री। अच्छा, वन पर कॉन्टिन्यूस है तो पक्की बात है फोर प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस थ्री। आर एच एल एच एल वैल्यू तीनों बराबर होने चाहिए, वैल्यू और आर एच एल तो बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और साथ में आर एच एल भी बराबर हो जाएगा, तो फोर प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस थ्री। तो यहाँ से कितना आया, ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है एट एक्स बराबर टू, ये कॉन्टिन्यूस है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अगर कहा जाए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो आप इसी पर चेक करोगे, वन के पहले कुछ नेचर है, वन के बाद कुछ नेचर, वन पे ही वन पे चेक करना है, टू के पहले कुछ नेचर है, टू के बाद कुछ नेचर है, तो आपको टू पे ही चेक करना है। तो अगर ये भी कहा जाए कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो आप इस बार वन और टू पर ऑटोमेटिक चेक करोगे, ठीक है, वन और टू पर ही चेक करोगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। फिलहाल वन और टू पर दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस है, तो आप तो वन पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये आया एक्स बराबर टू पर कॉन्टिन्यूस है, तो क्या आएगा, एफ टू बराबर कितना आएगा, एफ टू बताओ किस लाइन से आएगा, बोलो एफ टू किस से आएगा, सोचो सोचो सोचो, एफ टू किस से आएगा, एफ टू आएगा थर्ड लाइन से कि सेकेंड लाइन से, बोलो एफ टू कहाँ से आएगा, एफ टू आएगा ये थर्ड वाली लाइन से, ठीक है। तो एफ टू की वैल्यू कितनी आएगी, ए इंटू टू क्यूब, ए इंटू टू क्यूब, हाँ ठीक तो है, ए इंटू टू क्यूब प्लस फाइव, तो कितना आ गया एट ए प्लस फाइव, अच्छी बात है, ठीक है। एफ टू की वैल्यू कितनी आई, ए इंटू टू क्यूब प्लस फाइव, तो एट ए प्लस फाइव। एफ टू प्लस एच कहाँ से आएगा, एफ टू प्लस एच आएगा, जाहिर सी बात है थर्ड लाइन से ही आएगा, एफ टू प्लस एच, टू प्लस एच मतलब टू से थोड़ा बड़ा है यार, सही है, समझा करो। तो ये कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए इंटू टू प्लस एच का होल क्यूब प्लस फाइव और दैट इज इक्वल टू एट ए प्लस फाइव। अरे वाह, ये तो इसके बराबर है, आर एच एल और वैल्यू तो बराबर है, ठीक है। चलो एल एच एल देख लेते हैं, एफ टू माइनस एच कितना आएगा, जल्दी से बोलो किस लाइन से आएगा, एफ टू माइनस एच, टू माइनस एच का मतलब क्या हुआ, टू से थोड़ा छोटा ना, तो जब टू से थोड़ा छोटा होगा तो जाहिर सी बात है ये वाला रूल लगेगा। ये कितना आएगा, फोर इंटू टू माइनस एच, फोर इंटू टू माइनस एच और प्लस बी, ठीक है, फोर इंटू कितना आएगा, फोर इंटू टू माइनस एच प्लस बी, एच के लिए जीरो ही रख दो, एट प्लस बी, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ एट ए प्लस फाइव बराबर एट प्लस बी, मतलब एट ए माइनस बी बराबर थ्री। अब आप लोग इसको, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, आप लोग इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पर फाइनल मिल जाएगा। देखो इन दोनों इक्वेशन को, अगर वन पे कॉन्टिन्यूस है तो ये बराबर वन होना चाहिए, और अगर टू पे कॉन्टिन्यूस है तो ये बराबर थ्री होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप लोग इन दोनों को बराबर कर, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा और ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अननोन की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो देखो आज मैंने तुम लोग क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, तो उसके अगल बगल वाली भी वैल्यू लगभग सेम आती है, तो क्योंकि टूटा हुआ नहीं है, तो लिमिट क्या कहता है कि आर एच एल एल एच एल, अब लगभग सेम आता है, ये कैसे चेक करोगा। तो जाहिर सी बात है आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और वैल्यू निकालिए, और ये तीनों वैल्यू आपस में जब बराबर आती हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो भी लगभग बराबर ही होगी। तो आपका सिर्फ एक काम है, आप लिमिट सॉल्व करो, मतलब आर एच एल एल एच एल सॉल्व करो, वो दोनों वैल्यू के बराबर हो जाए, आर एच एल एल एच एल वैल्यू, ये जब तक ये तीनों बराबर नहीं होंगे तब तक आप किसी मिडिल पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूस नहीं कहोगे, ठीक है। तो आर एच एल एल एच एल वैल्यू, ये तीनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तभी हम डिक्लेयर कर पाते हैं कि किसी मिडिल पॉइंट पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो कॉन्टिन्यूस है, बराबर इसमें से कोई भी एक जो है बराबर नहीं है तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर में इसी का अगला पार्ट लेके फिर मिलेंगे, ठीक है।